देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे आरएल सर्किट की। आरएल सर्किट के लिए बात करें तो इसको भी डेरिवेशन मुझे उसी तरह से सॉल्व करना होता है। उसमें मुझे यही चीजें निकालना होती है, जैसे रिजल्टेंट वोल्टेज, इंपेडेंस और फेज डिफरेंस। तो पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम की बात करेंगे तो पहले बनेगा आर, और आर जो होता है वो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और रेजिस्टेंस का सिंबल हमारा कुछ इस तरह से होता है। फिर बन रहा है एल, एल मतलब होता है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस मतलब हो जाएगी हमारी कॉइल बनेगी जो इस तरह से भी बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक्सटर्नल एसी सोर्स से। ये हो जाएगा आर, और ये बनेगा कितना एल, इस पर लगा दो कितना वी आर, और इस पर लगा दो कितना वी एल लगा दिया। तो ये हमारा हो जाएगा आर रेजिस्टेंस और एल इंडक्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इनटू अ सीरीज कॉम्बिनेशन विद द एक्सटर्नल एसी सोर्स, एंड लेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टेंस इज वी आर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टेंस इज वी एल। मान लिया हमने कि जो आर प्रतिरोध और एल प्रतिरोध जो है वो किसी बाह्य स्रोत में श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, साथ ही प्रतिरोध के सिरों का विभव जो है वो वी आर है, और प्रतिरोध के सिरों का विभव जो है वो कितना वी एल आ रहा है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा वही रिजल्टेंट वोल्टेज। तो पहले हम निकालते हैं हमारा रिजल्टेंट और वोल्टेज सॉल्व करेंगे। तो जब रिजल्टेंट वोल्टेज सॉल्व करेंगे तो पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टेंस प्रतिरोध के सिरों पर हो, और इससे नाम देंगे कितना वी आर, और वी आर का फॉर्मूला जो होता है वो कितना आई आर आएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एक कैपेसिटर प्रतिरोध और संधारित्र के सिरों पर हो, और इसको बोलेंगे कितना वी सी, और वी सी का फॉर्मूला जो होगा वो कितना आई एक्स सी होगा। पहले आपने निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं पी आर, और वी आर का फॉर्मूला होता है कितना आई आर। फिर हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर, जिसको बोलता है कितना वी सी, और वी सी का जो फॉर्मूला होता है वो आई एक्स सी होता है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रिजल्टेंट पोटेंशियल, लेकिन इस सर्किट में यूज हुआ है किसका, रेजिस्टेंस का। और जब किसी सर्किट में यूज होता है रेजिस्टेंस का, तो हम रिजल्टेंट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं कि जितने भी पोटेंशियल होते हैं उन सबको हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ऐसा हमने अभी किया था कि भाई अगर मुझे क्या दे रखा है कि सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज किया हुआ है, रेजिस्टेंस का यूज किया हुआ है, तो हम क्या करते थे कि जितने भी रेजिस्टेंस, जितने भी हमारे पोटेंशियल होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं स्क्वायर करके उन सबको ऐड करते हैं। या मैं आपको इस तरह से बताऊं, ये तो हमारा बिल्कुल सही तरीका है कि भाई हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, या लेट द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, हां लेट The resultant of potential difference is V. इस केस में V square equal to कितना V R का square और plus कितना जाएगा V और L का square जाएगा। मैं ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इससे पहले हमने जो RC circuit करा था उसमें जो current जो था वो VC से 90 degree ahead था, जबकि इसमें क्या होता है कि जो current की direction तो same होती है, VR और current की direction तो same होगी, पर इसमें जो current जो होता है वो VL से 90 डिग्री बिहाइंड होता है। तो जब 90 डिग्री बिहाइंड होता है तो इसको हम कुछ इस तरह से इसका ग्राफ लगाते हैं कि एक तरफ लेते हैं हम कितना VR, और एक तरफ लेते हैं हम कितना VL, और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना V होता है, साथ ही इसमें जो होता है करंट जो होता है वो VL से 90 डिग्री बिहाइंड होता है, जबकि उसमें जो होता था RC सर्किट की अगर बात करते थे तो RC सर्किट में करंट जो होता था वो VC से 90 डिग्री अहेड हुआ करता था। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, तो आप या तो इस तरीके से याद रखें, या फिर हम डायरेक्ट इस तरीके से याद रखेंगे v square equal to होता है vr square plus vl square। हम चाहे तो इसको आगे जाकर के मिलाएंगे तो हमारा भी इस तरह से कोई टर्म बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम तो याद रखेंगे कि जब भी किसी सर्किट में हमारा आर सी दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमें अगर निकालना है रिजल्टेंट पोटेंशियल, तो जितने भी पोटेंशियल दे रखे हैं उन सबको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे। यहां हमने निकाला तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया vr स्क्वायर प्लस vl स्क्वायर, या फिर अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो जाएगा vr स्क्वायर और प्लस vl स्क्वायर आ गया, ये हमारा vr। अब दोस्तों ये तो हमारा आ चुका है v, अब हमें सॉल्व करना है इंपीडेंस। और अगर हम बात करेंगे इंपीडेंस की, तो इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, z से। और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने अभी बनाया है रिजल्टेंट पोटेंशियल का, वही यूज करना होगा। और फॉर्मूला बनता है V R का स्क्वायर प्लस V L का स्क्वायर।
अब वी आर जो है इसकी वैल्यू कितनी आई आर, और जो वी एल जो है इसकी वैल्यू कितनी आई एक्सएल। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो यहां पर थोड़ी सी उससे गलती हो गई है दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं आर एल सॉल्व कर रहे हैं आर एल सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर कैपेसिटर ना आते हुए क्या पे क्या आएगा इंडक्टेंस आएगा। देखिए ना हम निकाल रहे हैं किस पर, हम निकाल रहे हैं आर अल्फा निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक इंडक्टेंस आएगा, इसे बोलेंगे प्रेरकत्व के सिरों पर, और आएगा VL is equal to कितना I XL आएगा, जिसे बोलाता है XL मतलब होता है इंडक्टिव या फिर इसको बोलो इंडक्टिव, और रिएक्टेंस को रिएक्टेंस बोलता है। तो यहां पे रखें वैल्यू, तो यहां रखा वैल्यू हमने तो V को बिल्कुल सेम रखा, यहां रखेंगे तो कितना I R का स्क्वायर और प्लस आई और साथ में कितना एक्सएल का स्क्वायर, या बी को बिल्कुल सेम रखें यहां रखेंगे तो आई स्क्वायर आएगा प्लस आर स्क्वायर आएगा, यहां आई स्क्वायर आएगा और साथ में कितना एक्सएल का स्क्वायर आएगा। फिर देखो बी को सेम रखा, आई स्क्वायर को यहां से बाहर करें तो आई स्क्वायर को यहां से बाहर करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर और प्लस का एक्सएल स्क्वायर, या B को सेम रखें इसको मैं ऐसे बाहर कर लूं तो बाहर करूंगा तो I आएगा, यहां बचा कितना R स्क्वायर और प्लस XL स्क्वायर। फिर देखिए B को सेम रखा, इस I को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेकर जाऊं तो आएगा R स्क्वायर और प्लस XL स्क्वायर। फिर इस B अपॉन I को बोल दूं मैं कितना Z बोल दूं, जब इसे हम Z बोलेंगे तो यहां पर जो टर्म बनेगा वो कुछ ऐसा जाएगा Z इक्वल्स टू, तो चलिए हम इसको ऊपर ही कर लेते हैं, तो यहां बनेगा z is equals to यहां हुआ कितना r square और plus xl square, लेकिन जो xl होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा l, जो हमारा xl होता है इसकी वैल्यू होती है कितनी ओमेगा l, तो यहां पर जो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां बचेगा कितना r square और ये हो जाएगा ओमेगा l का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा कोई टर्म आ जाएगा, ये हमारा जाएगा फॉर्मूला किसका एमपी डैश का गया। एक बार फिर समझिएगा कि एमपी डैश के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है वही जो हमने रिजल्टेड वोल्टेज का लगाया है, और रिजल्टेड वोल्टेज का फॉर्मूला था v इक्वल टू अंडर द रूट vr स्क्वायर प्लस vl स्क्वायर, अब v को सेम रखा लेकिन vr की वैल्यू ir पुट करी उसका स्क्वायर कर, फिर vl की वैल्यू हमने ixl रखी, फिर v को सेम रखा स्क्वायर ओपन करने के बाद यहां से i स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर जाएगा i लेकिन बचेगा r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर। फिर आई को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो बी अपॉन आई बना और बी अपॉन आई बना जबकि यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, फिर एक्सएल को इस बी अपॉन आई को हमने जेड पुट कर दिया और एक्सएल को पुट कर दिया हमने ओमेगा एल, तो जो जेड आ जाएगा वो बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, जो हमारा इंपीडेंस आ रहा है। अब थर्ड टर्म जो होता है उसे बुलाता है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा के वैसा ही है जैसे हमने अभी सॉल्व किया था कि हम लगाएंगे tan phi का फार्मूला, लेकिन tan phi का फार्मूला लगा रहे हैं और एक तरीका तो यह है कि हम ट्रायंगल में लगा लें tan theta, या फिर अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज किया हुआ है तो अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज किया है तो उसके पोटेंशियल से आप डिवाइड कर दो, तो उसके पोटेंशियल अगर डिवाइड करेंगे मतलब मैं डिवाइड करूंगा VR से, तो अगर मैं VR से डिवाइड कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में कौन आएगा जो दूसरा है, तो दूसरा कौन है R के अलावा L दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टेंस ऊपर आएगा। फिर देखिए tan phi को बिल्कुल सेम, VL की जो वैल्यू होती है वो IXL होगी जबकि इसकी वैल्यू IR है, ये दोनों आपस में कैंसिल हुआ तो tan phi is equal to XL और अपॉन में कितना R बचा, फिर जो एक्सएल होता है इसकी वैल्यू को ओमेगा एल बोला जाता है, तो यहां रखेंगे फॉर्मूला तो टेन फाई आएगा यहां ओमेगा एल अपॉन आर, या फाई की जो वैल्यू रखें तो हो जाएगी टेन इनवर्स ओमेगा एल और अपॉन में कितना आर बनेगा। देखिए चेक करिए ये हमारा कोई टर्म आ रहा है, तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ये हमारा फेज डिफरेंस आ जाएगा वो भी किसके लिए आर एल सर्किट के।